नमस्कार दोस्तों, आरआर सिनेप्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा, जिसका साइड इफेक्ट किसी की पर्सनालिटी पे पड़ा तो किसी की जिंदगी पर और किसी के करियर पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की शुरुआत। बॉलीवुड में बार बार नेपोटिज्म जैसे शब्द सुनने में आते हैं, जिसका मतलब है फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे स्टार्स का काम करना जिन्हें उनके टैलेंट पे नहीं बल्कि उनके फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से फिल्में मिलती रही हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत से स्टार्स का नाम लिस्ट में आता है, या फिर कहें 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अपने फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बाकी बचे 10% लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो पहले आपको उन लोगों के नाम बताते हैं जिन्हें खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि नेपोटिज्म किड्स वाले नाम तो बहुत हैं। उनके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो पहला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। जी हाँ, मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में कई जबरदस्त फिल्में की, जिसमें मैरी कॉम, फैशन, सात खून माफ, अंदाज, बाजीराव मस्तानी जैसी दर्जनों हिट फिल्मों का नाम शामिल है। और इन दिनों प्रियंका हॉलीवुड की शान भी बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रियंका चोपड़ा को नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बारे में खुद कई इंटरव्यूज में प्रियंका चोपड़ा ने खुल के बात की। प्रियंका ने कई इंटरव्यूज में बताया है उन्हें कई फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स उनकी जगह अपनी जान पहचान और स्टार किड्स को काम देना चाहते थे। साल 2010 में हॉलीवुड जाने का असली कारण भी प्रियंका और करण जौहर के रिश्ते में आई कड़वाहट ही माना जाता है, जिसकी वजह से बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने प्रियंका चोपड़ा को उन दिनों फिल्मों में काम देना बंद कर दिया था। प्रियंका चोपड़ा ने नेपोटिज्म जैसी बीमारी की वजह से बॉलीवुड को मजबूरन छोड़ दिया। हालांकि इतना सब कुछ होते हुए भी प्रियंका ने कभी भी कंगना रनौत जैसा कुछ भी खुलकर नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि प्रियंका नहीं चाहती थी कि वो एक साथ पूरी इंडस्ट्री से दुश्मनी मोल ले, इसीलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप हॉलीवुड की तरफ निकल गई। नेपोटिज्म के विक्टिम के लिस्ट में दूसरा नाम आता है एक्ट्रेस कंगना रनौत का। कंगना रनौत के बेहद बोल्ड और बेबाक अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है, बात चाहे नेपोटिज्म की हो या फिर ट्रिपल तलाक जैसे मामले पर बोलने की। कंगना रनौत बिना डरे अपनी बात कहती हैं, इसी वजह से नेपोटिज्म गैंग का पहला टारगेट भी रहती हैं। गैंगस्टर मूवी से धमाकेदार एंट्री करने वाली कंगना खुलेआम ये बात कहती हैं कि कैसे बॉलीवुड में कुछ फैमिलीज ने बॉलीवुड को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझा हुआ है और कैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस किसी भी आउटसाइडर्स को अपनी फिल्मों में लेने से इनकार कर देते हैं। कंगना ने कई बार ये खुल के कहा है कि कैसे उनके स्ट्रगल के दिनों में नेपोटिज्म के चलते बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उनको फिल्मों में काम देना बंद कर दिया था। कंगना तो ये भी कहती हैं कि वो नेपोटिज्म का शिकार सालों साल होती रही और आज तक इसका दर्द झेल रही हैं। शायद इसी वजह से करण जौहर के अलावा कंगना बाकी स्टार्स के निशाने पे रहती हैं। अगला नाम तो सभी जानते हैं, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 में हुई इस स्टार की मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। MS धोनी, काई पोचे और पीके जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाले सितारे ने मौत को गले लगा लिया। ये बात किसी को भी शक करने पर आज भी मजबूर कर देती है। सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की असल वजह नेपोटिज्म ही था। सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार खुलकर टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बात कही कि कैसे बॉलीवुड में मौजूद नेपोटिज्म आउटसाइडर्स को अलग थलग कर देते हैं, उनकी पार्टीज में सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों की कोई जगह नहीं होती। सुशांत सिंह की मौत के बाद तो बॉलीवुड का असली और घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है, जिसके कारण सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर नेपोटिज्म को लेकर जनता का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा और जनता के निशाने पर करण जौहर, सलमान खान, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे जैसे सितारे आड़े हाथों लिए गए।
हालांकि ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म के नाम पे हमें सिर्फ वो एक्टर ही मिले हैं जो एक्टिंग के नाम पर जीरो हो, बल्कि इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने बेशक अपने स्टार किड होने की वजह से उन्हें आसानी से फिल्में मिली हों, मगर अपने टैलेंट के दम पर वो आज नंबर वन पर बने हुए हैं, जैसे एक्टर ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अजय देवगन और काजोल जैसे स्टार्स का नाम इसमें शामिल है। हालांकि बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पे नेपोटिज्म जैसी बीमारी का सामना किया और आज वो अपनी मेहनत और जुनून के दम पर इस कामयाब एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, अमित साध, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, मृणाल ठाकुर, ये वो स्टार्स हैं जो आज की तारीख में सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। वैसे हम जानते हैं कि अब आपके दिमाग में अगला सवाल यही चल रहा होगा कि क्या सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नेपोटिज्म वाली बीमारी है या टॉलीवुड में भी ये सब होता आया है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, वहाँ भी नेपोटिज्म जरूर है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है साउथ के कई बड़े सुपरस्टार्स जैसे महेश बाबू, रामचरण तेजा, अल्लू अर्जुन, प्रभास, जूनियर एनटीआर, धनुष। इन सभी स्टार्स को इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से फिल्मों में आना आसान था, लेकिन इन सभी ने अपनी पोजीशन को अपनी काबिलियत के दम पर बनाए रखा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि बेशक बिना टैलेंट के आपको कोई चीज मिल जाए, मगर वहां पर टिक पाना किसी के लिए आसान नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR Cineplex।